नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ समझा, आपका दोस्त, आपका साथी, यूट्यूबर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस झारखंड रांची से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसी भी भारतीय नागरिक के लिए। तो दोस्तों, वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए क्या करना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस जो YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर से दबाएं, ताकि जब हम अगला वीडियो आपके सामने लेकर आएं तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। वोटर हेल्पलाइन ऐप जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पास 3 डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपीज रखते हैं अपने फ़ोन पे, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, जैसे कि आपका एज प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और साथ ही साथ आपका एक कलर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ये अगर आप अपने फ़ोन पे रखते हैं तो आगे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक यहाँ पे एग्री का एक ऑप्शन आता है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे। फिर आप अपनी भाषा का चयन करेंगे, इंग्लिश या हिंदी, फिर यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है, वोटर रजिस्ट्रेशन का है, रिजल्ट का है, कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन का है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन देखिएगा, लैंग्वेज सेटिंग है, यहाँ देखिएगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, तो इसमें आपको क्लिक करना है, बाकी किसी और चीज़ के लिए है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद वोटर मित्र का एक ऑप्शन आता है, फिर यहाँ से आप लेट्स स्टार्ट करेंगे। ये करने के बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे नंबर डालेंगे और इसमें OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका ये एक लेआउट फिर से खुलेगा वोटर मित्र वाला, आप उसमें फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप ये पहली बार कर रहे हैं या आप ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हम आज यहाँ पहली बार कर रहे हैं तो आप इसको पहली बार में क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू सिटीज़न ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यस पे। देन बताया जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं। तो अगर आप झारखंड से हैं तो आप झारखंड यहाँ एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना विधानसभा क्षेत्र को चूज़ कर सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र को चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आप डाल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डाला है अपना आधार कार्ड, आप आधार कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप आपकी गैलरी में रहेगा, वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको कैमरा से क्लिक करके खींच के डाल सकते हैं। तो ये करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है आपका एज डिक्लेरेशन। अगर आपकी उम्र 18 साल की हो गई है तो आपको एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है और उसको डाउनलोड करने के बाद ये प्रिंट करते हैं और इसमें अपना हम डिटेल भरते हैं और सेल्फ जो है वो साइन करके इसे वापस से फ़ोटो खींच के इसका अपलोड कर देते हैं। ये अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मेल और फीमेल आप जो भी हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप अदर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नाम डालते हैं, जैसे आप नाम डालते हैं और ऑटोमेटिकली जो नाम जो है वो हिंदी में वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आने के बाद आप सारे डिटेल भरते हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर आपका यहाँ ऑलरेडी है, फिर आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं और देन वापस नीचे अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास कोई डिजेबिलिटी है, मतलब अगर आप दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ पे ये चूज़ कर सकते हैं कि आप विजुअल से हैं या फिर डिफेंडम हैं या अदर हैं या लोकोमोटिव है, जो ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये करने के बाद आपको अपने रिलेटिव का नाम यहाँ पर इस्तेमाल करना है, वो डालना है, तो वो हम लोग यहाँ डालते हैं। जैसे कि अभी हमने माँ का नाम यूज़ किया है, देखिए सुकंती सिंह है। देन फिर जाके वो हमने उनका रिश्ता बताया। ये करने के बाद वापस हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। अब क्या है कि ये आपके पास दोबारा एक डिटेल्स आता है कि आपका जो करंट एड्रेस है, मतलब अभी जो आप पता जो है आपका है वो कहाँ का है, फिर वो आपका हाउस नंबर है, फिर ये देखिए यहाँ एरिया और लोकेलिटी आप यूज़ करते हैं, फिर स्ट्रीट एंड लोकेलिटी यूज़ करते हैं जो भी है, देन फिर आप टाउन या विलेज है जो भी है आपका वो यहाँ पर क्लिक करके डालते हैं। ये होने के बाद आप पोस्ट ऑफिस का
जो है आपका एड्रेस वो डालिएगा, फिर पोस्ट ऑफिस करने के बाद जो आपका ये है सिटी है और आपका जो पिन कोड है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर वापस से आपको अपना स्टेट यूज़ करना है और स्टेट के बाद फिर विधानसभा क्षेत्र जो है वो डालना है। वो करने के बाद ये सारा चीज़ आप भर देते हैं, फिर आपको आप ऑप्शन आता है आपका एड्रेस प्रूफ का। एड्रेस प्रूफ जो है ये आपको यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट डालना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ किया है, अब आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद सारा चीज़ हम इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद हम देखते हैं एक डिक्लेरेशन दोबारा से आता है कि आप जो अपना पता आपने लिखा है मेंशन किया है वो जो एड्रेस है आप वहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं, तो उसको भी अब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। वो आपने चूज़ किया और फिर आपके पास एक कंफर्मेशन का एक वापस से पॉइंट आता है कि आपने जो भी अपना डिटेल यहाँ सबमिट किया है वो सही है या गलत है, अगर आप इसको रिकरेक्ट करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। ये होने के बाद आपका काम ख़त्म होता है, इसे आप कन्फर्म करते हैं और आपके पास एक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर आता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत आसान तरीके से अप्लाई हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने का, और उसके बाद वोटर आईडी कार्ड 3 सप्ताह के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर से दबाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर या फिर लॉगिन करें www.nvsp.in पर। धन्यवाद।